अब कहते हैं नाग में हुआ, नाग तो ठीक है वास्तव में हुआ है, लेकिन सबके सहयोग से हुआ है। हम अकेले हमारे गोविंद सिंह का उसमें कुछ नहीं है, दिशा निर्देश मार्गदर्शन जो है बैठे हुए तमाम भोजन होता है वो दिशा देते हैं। हमसे जो सेवा हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं प्राण भर से जुटकर प्रयास करता हूँ। बात करने जिले में जो कई संस्था ऐसी जो नहीं है वो यह है, आज नाग में किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, नौजवान बच्चों के लिए बहुत भव्य स्टेडियम है, 1 करोड़ की दवा लाइट लगी, रात में भी गेम होते हैं, इंडोर स्टेडियम ग्वालियर संभाग में नहीं इतना बड़ा इतना यह है, और करीब 6.5 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बन रहा है, उसके टेंडर हो चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल नाग के स्विमिंग पूल में होंगे, इस प्रकार का यह स्विमिंग पूल बन रहा है। नए आविष्कार क्या क्या हो सकते हैं लोगों, यह घंटा करने यह नई चीज होगी, घंटा घर बनाओ जो संभव रहा है जो लोगों ने दी उस काम करने को प्रयास किया। चौतरफा पुल जो ने कहा जो पुल टूटे हैं वो भी अब जल्दी से जल्दी सबके टेंडर हो गए बनने में, काफी लंबे प्रयास के बाद नेशनल हाईवे भी अब कायम हुई, अब बीच में थोड़ा सा उमरी से लेकर मेहनत तक का जो पूर्व के ठेकेदार की जो टोल टैक्स का है वो 2-3 साल और रह गए उसके बाद पूरा बन जाएगा। हमारा तो ये कहना है कि आप लोग जो आशीर्वाद देंगे, दिशा निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, हम उस प्रकार से अपने को ढालने का प्रयास करेंगे।